नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी करते हुए वीडी शर्मा के ससुर को कुलपति बना दिया गया। गोविंद सिंह ने कहा, शिवराज सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के लोगों को यूनिवर्सिटी में नियुक्ति दे रही है, वहीं प्रदेश का योग्य बेरोजगार युवा दर दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने राजनीति के चक्कर में लोक लज्जा को भी भुला दिया है, इस नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट में जाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी और शिवराज सरकार पर यूनिवर्सिटी में एक विचारधारा के लोगों को नियुक्ति देने का बड़ा आरोप लगाया है। सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जबलपुर कृषि यूनिवर्सिटी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के ससुर डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को कुलपति बना दिया गया है, वे इस पद के लिए योग्य नहीं है। उनकी उम्र के साथ योग्यता पर भी सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। गोविंद सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से नियुक्ति की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, साथ ही जांच नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है। गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से मिल बांट कर सौदा कर रहे हैं। वीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पत्नी को पहले अच्छे पदों में बैठा ला, उसके बाद अपने ससुर साहब उनको वाइस चांसलर बना के उनमें पूरी योग्यता में संदिग्ध है, उनसे बस जबकि उनके उस विश्वविद्यालय में विद्वान प्रोफेसर अनुभवी बैठे थे, उनकी उपेक्षा की है। भारतीय और जो नियुक्तियाँ की हैं सभी विश्वविद्यालय में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, विद्यार्थी परिषद के और मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बच्चों की नियुक्तियाँ हो रही हैं। मध्य प्रदेश में विद्वान लड़के, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हुए नौजवानों से केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी बेरोजगारी दूर करने में लगी हुई। मैंने मांग की है, मोदी जी को पत्र लिखूंगा कि आप तत्काल कार्रवाई करें, नहीं किया तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। गोविंद सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बेरोजगार युवा कहीं जहर खा रहा है तो कहीं फांसी पर लटक रहा है और शिवराज सिंह चौहान गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। सिंह ने कहा, शिवराज सिंह की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय ने नियुक्ति दी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में अब लोक लज्जा नहीं बची है, इसलिए सिर्फ अपने लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।